हिंदुस्तान दुनिया में किसानों की भूमि कहा जाने वाला ये देश जहां फसलें लहलहाती हैं जहां धरती मां कहलाती है जहां हर दिल में आस्था बसती है हर धर्म में इंसानियत दिखती है करोड़ों दिलों की धड़कन से बनता है हिंदुस्तान और उस हिंदुस्तान की शान है आगरा यह शहर है गालिब की किलकारियों का यह शहर है मीर की कलम का यह शहर है बेपनाह मोहब्बत की निशानी ताजमहल का अद्भुत अद्वितीय अनुपम अतुल्य अमूल्य हिंदुस्तान की आन बान शान कितने ही मौसम कितने ही शासन कितनी ही सदियां आईं और गईं पर आज भी अडिग है शाहजहां मुमताज की अमर प्रेम की ये खूबसूरत निशानी ताजमहल विश्व का अजूबा चले यार दिनेश पैकअप है आज का क्यों 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 क्योंकि सीएम साहब अब महोत्सव की ओपनिंग के लिए नहीं आने वाले हैं चल आज आज का दिन टोटल वेस्ट हुआ ना यही होता है कुछ नहीं यार कह रही हूँ कुछ नहीं हो सकता यार ये कहाँ घुसो आ रहा है खुदा बख्श रो क्या ना देख देख ए तू जा तू देख ए तू जा तू देख लेना यार ए रुको कहां भाग रहे हो ए रुको 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 अंदर बना चली चला तू आई बोल चली चला तू आई बोल चली चला तू आई बोल रुक 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 नीचे उतर नीचे उतर ए तू भी नीचे उतर जल्दी ये सब क्या है माज़ा नाव डायरेक्टर को नाव कह रहा है नहीं नहीं नाव बोले तो मेरा नाम नाम मेरा नाम तुकाराम राव साहेब मराठे ये मेरी बाई को है सुनंदा आणि ही माझी मुलगी नेक सी बच्ची को मुर्गी कह रहे हो मुर्गी नहीं मुर्गी नहीं मुलगी मुलगी बोले तो मेरी बेटी बेटी मेरी समझ बच्ची गया अच्छा अच्छा तू ताजमहल घूमने आया है नहीं नहीं नहीं, नहीं उस पे कब्जा करने आया है मजाक कर रही है मजाक मजाक वो भी पुलिस वालों के संग मैं बहुत टेढ़ो आदमी हूँ मैं हो पर थोबड़े से तो सीधा दिखता है हो ना हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जा कबाड़ ने पीछे करो और वो ताजमहल के अंदर जाना तो जाओ काहे को लेकिन कोई भी डीजल पेट्रोल की गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते प्रदूषण के कारण ताज का संगमरमर काला पड़ रहा है संगमरमर बोले तो सोपा है संगमरमर जब दो से ज्यादा लोग एक संग मरता है ना तो उसको संगमरमर ऐसा बोलता है देखो साहब कैसा है अंदर मैं भी जाएगा मेरा परिवार के साथ और मेरा गाड़ी को भी लेके जाएगा नहीं तो सारा सामान अंदर कैसे लेके जाएगा जे सामान लेकर ताजमहल के अंदर जाएगा देखो जे सारा सामान ताजमहल के अंदर नहीं जा सकता अकेले जाना तो जाओ ए अभी मजाक मस्ती बहुत हो गया बोला ना इधर घूमने काम नहीं आया तन्वी न्यूज मिल गई अंदर मैं भी जाएगा मेरा परिवार भी जाएगा और मेरा गाड़ी के साथ में मेरा सामान भी जाएगा मैं देखता है मेरे कौन रोकता है ए बसा गाड़ी मत चम मायला बजरंगी सर इन्हें ताजमहल के अंदर घुसने मत देना जी और इनका सामान उठा के बाहर फेंक चलो निकलो यहां से चलो मेरे मर्द से इज्जत से बात करने का अच्छा
श्रीमान जी, श्रीमती जी, आप लोग निकलिए यहाँ से, फुटिए, जाइए अपने घर। अभी जद से बोलता है मैं आखिरी टाइम। मैं बोला ना, मेरे साथ मेरा बीवी, बच्चा, गाड़ी, सामान सब अंदर जाएगा। और अगर मेरे को अंदर जाने नहीं दिया ना, आई शपथ बोलता है मैं इधर ही धरना देगा, इधर ही। क्या बोला तू? आई शपथ बोले तो माँ कसम। नहीं नहीं, इससे पहले क्या बोला तू? उसके आगे बोला मैं धरना देगा, इधर ही धरना देगा। अबे ये जगह तेरे बाप की है। ज़ूम कर इस पे। बाप की नहीं है, मेरे दादा की है। नहीं, दादा की नहीं, मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा की है। दयाराम बापू साहेब मराठे, उनका जमीन है ये। दादा, मैं सच बोलता है, आपको यकीन नहीं है? अरे ये ताजमहल का पूरा जमीन है ना, यहाँ हमारा है, यहाँ मेरा परदादा का है। शाहजहां ने मेरा परदादा से छीन के वहाँ पे अपना औरत का, कौन सा औरत? चार नंबर का औरत। हाँ, जो औरत के पति को मार के उससे शादी बनाया ना, वो औरत। वो औरत जिससे एक के बाद एक 14 बच्चा पैदा हुआ ना, वो औरत। उसी औरत का इधर समाधि बनाया है वो शाहजहां ने। और वो मरने के बाद उसका बहन के साथ पटक से शादी बना लिया और बोलते प्यार का निशानी। अरे प्यार किधर है इसमें? अभी बहुत हो गया, अभी मेरे को मेरा जमीन वापस मांगता है, इसलिए मैं इतना लंबा से इधर तक आया। घोसला का डोस क्या पिसने एक्टर। और अभी मैंने ठान लिया है, मैं इधर से ताजमहल को हटा के अपना जमीन वापस लेके जाएगा, धरना देगा, मैं इधर ही धरना देगा, दादा के परदादा के परदादा के दादा। कम ऑन तन्वी, क्या हो गया है तुम्हें? अब हम इस टाइप की घटिया न्यूज़ टेलीकास्ट करेंगे? मैम, आपने हमेशा मुझ पे विश्वास किया है, मैंने आपको कभी लेटडाउन नहीं किया। प्लीज प्लीज बिलीव मी कि न्यूज़ में बहुत पोटेंशियल है। ओके, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो गो अहेड। मेरा परदादा ने आवाज उठाया था पर उनका आवाज को दबा दिया गया। फिर मेरा दादा ने भी आवाज। ताजमहल की जमीन उसके पुरखों की है, ऐसा दिलचस्प दावा महाराष्ट्र से आगरा आए एक किसान तुकाराम ने किया है। उनको शहीद कर दिया गया, देव उनका आत्मा को शांति दियो। और जबरन उसे हथियार कर उस पर ताजमहल बनवाया गया है। मतलब मैं चुप नहीं बैठेगा, मैं अपना जमीन वापस लेके चलेगा। मेरे दादा के परदादा के परदादा के दादा की है, दयाराम बापू साहेब मराठे, उनका जमीन है ये। जो भाई, जे का हो रहा है? अरे एक आदमी महाराज से आकर आगरा में धरना दे दिया, कहता है कि ताजमहल उसका है। घंटा उसका है, जाके बाप का राज का। ताजमहल का पूरा जमीन हमारा है और वो हमको मांगता है बस। अभी सरकार को फैसला करने का है कि वहाँ से ताजमहल को हटाने का। बड़ी खबर आगरा से आ रही है, बहुत बड़ी बात है इस मुद्दे में, हमें लगता है हमें इसमें कूद पड़ना चाहिए। नहीं शीला, अभी इस मुद्दे को ना थोड़ा और पकने दे, अभी खाने का मौका नहीं आया। अरे राणा, तुझे का जेल में दूध कम मिल रहा होगा का? अरे भैया खूब मिलो है, जेल मंत्री के सेवक जो ठहरे। तो फिर चोर काई नहीं लगा रहे हो? अरे भैया लगा रहे हो, लगा रहे। सीएम साहब को फोन आ गया यार, प्रणाम बड़े भैया। अरे प्रणाम छोड़ो, सत्ता की चिंता करो, कुर्सी पिछवाड़े से खिसकने वाली है। अरे भैया कौनो गलती है गई क्या हमसे? टीवी चल रहा है का? टीवी तो चल रहा हो। हाँ तो देख रहे हो कोई अश्लील पिक्चर और का? अरे ना ना भैया, वो तो कब के छोड़ रहा हूँ हमने, अब तो बस आस्था चैनल लगा के योगासन कर रहे हैं भैया। अरे न्यूज चैनल लगाओ, न्यूज चैनल। हाँ, योगासन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ताजमहल की जमीन उसके पुरखों की है और उसे जबरन हथिया कर उस पर ताजमहल बनवाया गया है। ताजमहल का पूरा जमीन हमारा है और वो हमको मांगता है बस। वहीं चारों तरफ इसकी चर्चा छाई हुई है, पुलिस और प्रशासन इसे एक व्यक्ति का पागलपन बता रही है। बवाल है यार, अभी सरकार को फैसला करने का है कि वहाँ से ताजमहल को हटाने का और हमारा जमीन हमको वापस देने का। सेक्स स्कैंडल से हाल ही में बचे मंत्री विसर्जन फिर विवादों में आ गए। अरे जी का कांड है क्या यार? हे हथकड़ी मैया, कला में ही रहना, हाथ में ना आना। मेरा दादा ने भी आवाज उठाया था, अरे महात्मा गांधी से भी जाके मिला था, पर उनका फैसला सुनाने का पहले ही किसी ने उनको शहीद कर दिया। अभी जय हिंद सर। ये कहा हो रहा हुआ शहर में? टीवी पे न्यूज नहीं देखा का? हाँ सर,
ताजमहल का न्यूज देख रहे थे, माइंड अपसेट हो गया, टीवी बंद कर दिए। अरे ये टीवी बंद करने से समस्या खत्म नहीं है जाएगी, बाय अरेस्ट करो चुपचाप। यस सर। अच्छा आप एक सेकंड, एक्सक्यूज जी। हेलो, आप ब्रिजेश? जैन जीजू शट अप, हम तुमको हजार बार बोले हैं कि ड्यूटी में जो है रिलेशनशिप को मत घुसाया करो, हम तुम्हारे सीनियर हैं, समझ गए ना? सर बोलो, सर सर। अच्छा सर जी, अच्छा आपको गले को मोच कैसे हुए? अरे बुढ़वा, अरे मोच पाँव में होता है, गला में नहीं होता है रे। इसी चक्कर में हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं और तुम अपनी मनमानी किए जा रहे हो। का है? जूस नहीं, जूस नहीं, हमारा खून हमको पिला दो, खून पिला दो, जाओ। अच्छा एक बात बताओ, ये ताजमहल के आसपास का तुम्हारे बाप की शादी हो रही है जो भीड़ इकट्ठा करके रखी है? सर जी मेरे रहते हुए कुछ हो सकता है? अरे इसी बात का तो डर है कि तुम वहाँ हो। पुकार के दो उसको, वो तुकाराम, उसको हटाओ, गेट लॉस्ट, नहीं तो हम तुमको ऐसे गायब करेंगे ना बेटा कि जिंदगी भर गूगल में सर्च करने पर भी लौकोगे नहीं। सर जी आप तो बस हुक्म करो। अरे अरेस्ट करो उसको। जी, जी, जी सर जी। हाँ ये जीजू भी ना।